गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेसन में ऑटोकैड 3D मॉडलिंग में कुछ कमांड्स के बारे में हमने जाना था। आज हम स्टार्ट करते हैं 3D मॉडलिंग के आगे कुछ कमांड्स के बारे में जानने की। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने 3D मॉडलिंग का टेम्पलेट खोल रखा है। यहाँ से हम 3D व्यू ऑन करते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू या जो भी व्यू आपको ऑन करना है, यहाँ से हमने लिया आइसोमेट्रिक SW साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू। अब हम यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। जब हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये अभी हमारा वायर फ्रेम भी ऑन है। आप यहाँ से वायर फ्रेम को रिमूव करके रियलिस्टिक व्यू भी ऑन कर सकते हैं। हमने रियलिस्टिक व्यू ले लिया, ठीक है। तो ये प्योर 3D व्यू में दिखेगा आपको। अब हमारा आज का टॉपिक है इंटरफेयर। इंटरफेयर क्या होता है? आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि इंटरफेयर मतलब दो ऑब्जेक्ट दूसरे के अंदर इंटरफेयर कर रहे होंगे। तो इंटरफेयर में क्या था कि एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक यहाँ पे एक और हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके इस वाले एज को टच करते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये अलग बॉडी, अलग भी है, ठीक है। तो इंटरफेयर क्या करेगा, ये बता देगा कि इन दोनों के बीच का कौन सा पार्ट, कौन सा रीज़न कोलाइड कर रहा है। तो हमने लिया इंटरफेयर, हमने इंटरफेयर लिया और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और दो बार एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, एक दो, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे खुद ही रेड मार्क से, अभी रेड मार्क से शो कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। उसमें कोई मॉडिफिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा या और कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, बस ये डिटेक्ट करके हमें बता देगा कि यहाँ पे ये पोर्शन कोलाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स भी क्या है, आप इसके थ्रू यहाँ पे जूम इन जूम आउट ऑप्शन है, इसके क्लिक करके इसमें जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो इसको, ठीक है। एस्केप कर दो, ठीक है। यहाँ से पैन कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से एस्केप कर दो, ठीक है, क्लोज कर दो आप, तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये बस डिटेक्ट करता है। अगर मुझे यहाँ पे कोलाइड पोर्शन को देख, मतलब बाकी सबको अटैक है, बस कोलाइड वाले पोर्शन को रखना है, तो आपको इसे पहले मैंने मॉडिफिकेशन कमांड बता दी, सॉलिड सबट्रैक्ट, सॉलिड इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ये इस कमांड से हम कर सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। इसके बाद से हमारा कमांड है स्लाइस। स्लाइस बेसिकली क्या होता है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। किसी भी नाम से ही समझ रहे होंगे आप, स्लाइस में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम कट कर देते हैं। जैसे आप देखो, मैंने स्लाइस लिया, इसके सरफेस पे क्लिक किया, ठीक है, और एंटर कर दिया। अब मुझे इस बॉडी को इस कॉर्नर से लेके इसके इस वाले पॉइंट तक कट करना है, या इस वाले पॉइंट तक कट करना है, इस पर क्लिक किया और एंटर प्रेस किया। अब देखो, अब ये दो पार्ट में स्लाइस हो गया, ये अलग और ये अलग, ठीक है, आप विजिबली देख रहे होंगे। अब कैसे पता चलेगा कि ये अलग है? तो इसको मूव करके हम हटा सकते हैं। इस पर क्लिक करोगे आप, यहाँ पे ये ऑप्शन गिज़्मो आ गया, इस गिज़्मो को क्लिक करके आप हटा सकते हो इधर की तरफ, ठीक है। तो स्लाइस हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लाइस लिया, इसके सरफेस पे क्लिक किया, एंटर किया, और इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक करना है, इस वाले पॉइंट तक करना है, एंटर कर दो आप, ये लोग हो गया, और इस वाले एक्सेस को क्लिक करके आप मूव कर दो, देखो आपका स्लाइस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लाइस कर सकते हैं। अब आते हैं, हम हमारा अगला कमांड है थिकन। थिकन बेसिकली थिकन क्या होता है, आप नाम से समझ रहे हो, थिकन में किसी भी सरफेस को या किसी जगह को थिकनेस प्रोवाइड कराना। ये बेसिकली तभी होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट की थिकनेस बहुत ही कम होती है, जैसे हमारी सरफेस बॉडी। तो एक हम सरफेस बॉडी बनाते हैं, हमने एक लाइन लिया, ठीक है, इसी और फोन कर लेते हैं, और इस लाइन को मैं एक्सट्रूड करूँगा, यहाँ पे एक्सट्रूड का ऑप्शन है। तो जब हम लाइन को एक्सट्रूड करते हैं, तो ये सरफेस के फॉर्म में एक्सट्रूड होता है, ठीक है। इसकी कोई थिकनेस नहीं है अभी, बस एक सरफेस है, ठीक है। अब इसकी थिकनेस प्रोवाइड करानी है हमें, तो यहाँ से हमने थिकन लिया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे थिकनेस पूछ रहा है, सेलेक्ट सरफेस टू थिकन स्पेसिफाइड थिकनेस। यहाँ पर हमने थिकनेस दे दिया 5 mm, एंटर किया, तो ये देखो आप 5 mm की थिकनेस प्रोवाइड हो जाएगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे थिकनेस इस 5 mm हो गई। इस तरीके से फ्रेंड्स, हम ये हमने तीन कमांड के बारे में आज जाने, इंटरफेयर,
स्लाइस एंड थिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।